हेलो फ्रेंड्स, दीज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप रनिंग विद अमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इससे पहले मैं एक जो पैरेललोपिपेड ऑफ फोर्सेस आर्टिकल मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके देख लें, उसके बाद इस वाले थ्योरम पर आएँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। वो बेसिक मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये जो थ्योरम है आपकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इस तरह के थ्योरम्स जो हैं आने के चांस हैं, और आई हुआ है कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में ये एक बार, तो और भी जैसे MDU यूनिवर्सिटी है, CDU LU यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या अदर जो भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर BSc थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है इस थ्योरम में आपने, बेसिकली अगर मैं इस थ्योरम का बताऊं आपको, तो आपको कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया हुआ है। अब इस जो थ्योरम में हम बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपका एक्चुअल में होता क्या, सिस्टम ऑफ फोर्स आप किसको कहते हैं, फिर आपको प्रूफ क्या करना है इसमें कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं आप एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। अब कपल से मतलब यहाँ पे जो आपके माइंड में चल रहा है वो वाला कपल नहीं है बच्चों, कपल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, उस कपल की जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन भी मैं कराऊंगा, और जो उसमें यूज होगा कपल की डेफिनेशन का और मोमेंट ऑफ कपल का रिलेशन यूज होगा, उन सभी को पहले मैं डिस्कस एक बार हम डिटेल में करेंगे, उसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले एक बार स्टेटमेंट अगर आप रीड करें जो मैंने बताया था कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगा हुआ है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे हम। अभी स्टेटमेंट एक बार रीड करें, अगर कह रहा है कि वो सिस्टम ऑफ फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे अगर लगा हुआ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप इन जनरल जनरली टू अ फोर्स, एक फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एट आर्बिट्रेरी चोजन पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड अ कपल। मतलब क्या कि कोई सिस्टम हो, अगर एक बॉडी है आपके पास, सपोज करो कोई भी बुक है आपके पास या कोई भी आपके पास एक बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी है आपका वाइट बोर्ड, तो आप इसको एक बॉडी समझ लें, और सपोज करो इसमें बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं, एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक मैंने मिड में लगाया, मतलब पाँच मैंने इस पर क्या लगाए हुए हैं, फोर्स लगाए हुए हैं सपोज करो। तो वो कहता है कि जितना काम वो पाँचों फोर्स कर रहे हैं ना, इतना ही काम आप ये बताएं कि क्या उन पाँचों के प्लेस पर मैं कोई एक फोर्स और एक कपल अगर अप्लाई कर दूं, क्या वो पांचों फोर्स की जगह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप कंफर्म करके दिखाएं। कह रहा है कि ऐसा हो गया ही होगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स की अगर बात करें, देखो मतलब किसी बॉडी पे भी अगर आपने कोई भी बॉडी दी हुई है और उस पर आपने सपोज करो पाँच या छः या कितने भी व्हाटएवर फोर्सेज अप्लाई कर दिए, आपने फाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेज अप्लाई कर दिए, तो उसको कहता है सिस्टम ऑफ फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे अगर आप 10-12 फोर्स एक साथ अप्लाई कर दें, ठीक है, कोई सपोज करो ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड को जैसे काफ़ी बड़ा बोर्ड है, तो इसको उठाने के लिए जब मैं इसको लेके आया था यहाँ पे, तो इसमें हम चार पर्सन थे, ठीक है, चार पर्सन ने अच्छे से पकड़ा हुआ था कि ये ब्रेक ना हो जाए कहीं से भी, एक ने उस कॉर्नर पे पकड़ा हुआ था, एक ने ये वाला कॉर्नर, एक ने इधर वाला, और एक ने ये लेफ्ट मोस्ट वाला कॉर्नर पकड़ा हुआ था। तो मतलब इस बॉडी के ऊपर चार फोर्स जो है अप्लाई हो रहे थे, तो चार फोर्स मतलब, तो उन फोर्स को मिला के हम बोलते हैं इसको कि सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर सपोज करो उन चार के प्लेस पर मैं दो और फोर्स लगा देता, मतलब इनको कह देता कि भाई इस बोर्ड को ऐसे अच्छे से लेके आओ, इसको 6% उठाओ या 8% उठाएं, तो जितने पर्सन इसको उठा रहे हैं उन सभी का जो फोर्स है उसको मिला के हम कहते हैं कि वो सिस्टम ऑफ फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि उन 6 या 8 जितने भी फोर्स इस पे हमने लगाए, क्या हम उन फोर्स को, उन जितना वो काम कर रहे हैं, क्या उनके प्लेस पे कोई एक फोर्स और एक कपल, क्या दोनों मिलके वो उनके जितना काम कर सकते हैं, ऐसा करेंगे ही करेंगे, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो सिस्टम ऑफ फोर्स आई होप आपको पता लगा होगा प्रैक्टिकली भी। तो इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको यहाँ पे कपल की डेफिनेशन की भी नीड होगी। स्टूडेंट्स जरा पूरे ध्यान से समझें आप, बिल्कुल 101% आपको समझ आने वाला है आर्टिकल या थ्योरम, और इसके लिए जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी इसका प्रूफ जो है आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो क्राइम करोगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है हमें, क्राइम नहीं करना है। तो अगर कपल की बात करूँ मैं डियर स्टूडेंट्स, तो कपल की बात करें, यहाँ पे कपल से ही मतलब है दो। तो अगर आपको दो फोर्स दिए हुए हैं, सपोज करो ये दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, कोई भी दो फोर्स अगर
आपके ओपोजिट डायरेक्शन में हों और आपके पैरेलली अप्लाई हो रहे हों, तो हम वो कहते हैं कि वो दोनों फॉर्म करेंगे अ कपल। क्या? एनी टू फोर्सेस विच आर अनलाइक एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड आर पैरेलल। क्या क्या कंडीशन है कि कपल बनाने के लिए आपको दो फोर्स की नीड पड़ती है, दोनों के दोनों फोर्स पैरेलल लगने चाहिए, ठीक है, पैरेलली लगने चाहिए दोनों फोर्स। ऐसा नहीं है कि एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा नहीं है, पैरेलल होने चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में होंगे, ऐसे हैं तो दोनों पैरेलल लगने चाहिए, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन जो है दोनों की ओपोजिट होगी। अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या, दो पैरेलल फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के और ओपोजिट डायरेक्शन में अगर लगे हों तो उनको कहते हैं कि वो दोनों क्या एक कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या, सपोज करो आपका कोई पॉइंट है ये ए, यहां पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, सपोज करो पी न्यूटन का मैंने एक फोर्स लगाया है डियर फ्रेंड्स पॉइंट ए पे, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने दूसरा फोर्स लिया, सपोज करो यहां पे जो मैंने पॉइंट बी पे अप्लाई किया, दोनों के दोनों फोर्स कैसे लेने हैं आपको, पैरेलल लेने हैं और दोनों के दोनों आपको सेम मैग्नीट्यूड के लेने हैं, तो इसका जो बी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है आपका फोर्स, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, पी है। ये पॉइंट ए पे लगा है मैग्नीट्यूड पी का, ये पॉइंट बी पे लगा है मैग्नीट्यूड पी का, दोनों की डायरेक्शन जो है ओपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के दोनों पैरेलल लगे हैं। अनलाइक से मतलब मेरा था कि डायरेक्शन अगर ओपोजिट है फोर्स, दो कोई भी दो फोर्स जिनकी डायरेक्शन ओपोजिट हो तो हम उनको कह देते हैं कि वो अनलाइक हैं। तो एनी टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड फॉर्म अ कपल। उसके बाद कपल के मोमेंट की भी बात करें यहाँ पे साथ साथ, तो ये एक कपल फॉर्म कर रहा है और डिस्टेंस जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। क्या? आर्म ऑफ अ कपल, किसी भी कपल की ये होती है आर्म, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल, जो मैं यूज भी करूंगा इसमें मोमेंट ऑफ कपल। अगर इसकी बात करें डियर फ्रेंड्स, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, तो जो आर्म ऑफ कपल होगी मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, ठीक है। अब डायरेक्शन में है तो पी वेक्टर आ जाएगा और आर्म ऑफ कपल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। क्या मतलब कि आपका फोर्स क्रॉस आर्म ऑफ कपल, ये होगा मोमेंट ऑफ कपल। अब कपल का मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आप कह सकते हैं कि जो लोक, कोई भी लोक अगर आप ओपन करते हैं और फिर उसको आप क्लोज करते हैं तो वो हमारा इजिएस्ट एग्जांपल होता है कपल का। कोई भी लोक अगर हम उसमें की डाल के ओपन कर रहे हैं या उसको आप फिर से बंद कर रहे हैं तो वो हमारा एक एग्जाम्पल बन जाता है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा कोई भी लॉक, ठीक है डिफरेंस। अब बात करते हैं अपनी थ्योरम की, क्योंकि इसमें हम कपल की डेफिनेशन यूज करेंगे कपल, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि कोई भी सिस्टम वो फोर्स मैं लेके चलूंगा उसको मैं जनरली रिड्यूस करूंगा किस में, एक फोर्स में और एक कपल में। देखते हैं कैसे बात करते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कोई सिस्टम ऑफ फोर्स लेके चल रहा हूँ मैं, क्या तो सिस्टम ऑफ फोर्स है तो उसमें बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं और किसी न किसी पॉइंट पे लगेंगे। तो डिस्टेंस मैंने सपोज करो ये एक पॉइंट लिया A1 पॉइंट, ठीक है, A1 पॉइंट लगाया, A1 पॉइंट है आपका, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स F1 वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर लगा है F1 वेक्टर। क्या, अब जो मैं आपको बताते हुए यहाँ पे जैसे जैसे हम डायग्राम ये कंस्ट्रक्ट करते चलेंगे वो सब कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिया डिस्टेंस A2 पे मैंने फोर्स लगाया F2, ये पॉइंट आपका क्या है A2 है, ऐसे ही आपका पॉइंट A3 है, A4 है और ये आपका जनरली सपोज करो मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया AR, ठीक है, और इस पे मैंने फोर्स लगाया सपोज करो FR वेक्टर, ठीक है, और उसके बाद अप टू सो ऑन ये सभी फोर्स लगे हुए हैं और अप टू सो ऑन ये पॉइंट ले लिया मैंने कोई AN, ठीक है, AN टोटल फोर्सेज हैं हमारे पास। यहाँ पे ले लो इसको डिफरेंस, क्योंकि मैंने डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना है, वैसे कहीं भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, इंडिपेंडेंट है आप, ठीक है। तो ये इतने सारे फोर्स हैं A1 A2 AR अप टू सो ऑन AN, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट अस कंसीडर ऐसे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया है हमने, अ सिस्टम ऑफ फोर्स क्या क्या है हमारे, कौन कौन है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर अप टू सो ऑन FR वेक्टर अप टू सो ऑन FN वेक्टर
एक्टिंग, कहाँ पे लगे हैं ये, एक्टिंग एट पॉइंट्स ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए आर अप टू सो ऑन ए एन, ठीक है, अप टू सो ऑन ए एन। तो ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है F1, F2, Fr up to so on Fn acting at points A1, A2, Ar up to so on An, ठीक है dear friends। उसके बाद अब आपने क्या करना है यहां पे, अब ये जो आपने फोर्स Fr लगाया है इसका मैं पोजिशन वेक्टर कंसीडर करूंगा। मैं मान लेता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू O ये पोजिशन वेक्टर मेरे पास है इसका जनरली Ar वेक्टर। मतलब क्या किया मैंने, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट O के रेस्पेक्ट में A1 वन फोर्स F1 का पोजीशन वेक्टर ले लिया, F2 का पोजीशन वेक्टर ले लिया और Fn का पोजीशन वेक्टर ले लिया, ऐसे ही मैंने Fr वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ले लिया Ar, स्मॉल Ar वेक्टर। मतलब क्या, स्मॉल A1 वेक्टर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको क्या, लेट A1 वेक्टर A2 वेक्टर अप टू सो ऑन A आर वेक्टर अप टू सो ऑन, ऐसे ही आपका ए एन वैक्टर क्या है, ये बी दी पोजिशन वैक्टर, बी दी पोजिशन वैक्टर, किसके पोजिशन वैक्टर हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए फोर्स कौन कौन से हैं आपके, एफ वन वैक्टर एफ टू वैक्टर अप टू सो ऑन एफ आर वैक्टर अप टू सो ऑन एफ एन वैक्टर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ, ठीक है। मतलब क्या, ए वन वैक्टर आपका पोजिशन वैक्टर है फोर्स एफ वन का विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए टू वैक्टर ऐसे ही पोजिशन वैक्टर है आपका फोर्स एफ टू का, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए डिफ्रेंस ये आपका यहाँ पे ये आपका ऐसे है ऐसे, ठीक है, ये तो इसी में है डायग्राम में ही, तो इधर आप इसको थोड़ा अलग रखें समझ आ जाएगा। ये ओ पॉइंट आपने आर्बिट्री जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में आपने ये लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। ये आपकी राइटिंग है कंस्ट्रक्शन जो जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका डायग्राम है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस ओ पॉइंट पे डिफरेंस मैंने क्या किया, दो फोर्स इंट्रोड्यूस किए एफ आर मैग्नीट्यूड के, एक फोर्स ये मैंने इंट्रोड्यूस किया एफ आर वैक्टर और ओपोजिट डायरेक्शन में मैंने सेम मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया एफ आर वैक्टर। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या कि लेट अस इंट्रोड्यूस हम दो फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट अस इंट्रोड्यूस टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का एफ आर वैक्टर, ठीक है, एट या फिर कह दें आप इसको इन ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन है दोनों की ये भी बताएं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट ओ, ठीक है। मतलब क्या, O पे आपने दो फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया, लेट अस इंट्रोड्यूस टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ आर वैक्टर इन ओपोजिट डायरेक्शन एट O। एक फोर्स आपने एफ आर वैक्टर यहां पे लगा दिया, एफ आर वैक्टर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, होगा क्या, सेम मैग्नीट्यूड के हैं ओपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर हम इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अब भी हम क्या है, बैलेंस है हमारा, क्या क्योंकि ओ पे लगे हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं ओपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें करना था, देखो किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स को आपने रिड्यूस करना था एक फोर्स में और एक कपल में, तो मैंने सेम मैग्नीट्यूड का इसलिए किया, देखो अगर मैं इसको स्किप कर दूं यहां से डिफरेंस ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस फोर्स को यहां से स्किप कर दूं तो क्या बचा आपके पास, ये ए आर पे लगा है फोर्स एफ आर वैक्टर, ओ पॉइंट पे लगा है फोर्स एफ आर वैक्टर जो कि सेम मैग्नीट्यूड है, और ओ ए आर ये क्या है आपकी आर्म ऑफ कपल है जो कौन है आपकी ए आर वैक्टर, ठीक है। और एक इस कपल के अलावा आपका एक फोर्स बचा है एफ आर वैक्टर। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है आप, सो डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे कि जो हमारा ये
एट ए आर, अगर मैं सभी को छोड़ के सिर्फ इसकी बात करूं, इतने डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से जरा, अगर मैं इतने डायग्राम की बात करूं तो यहां पे हुआ क्या है, देखो एफ आर वेक्टर फोर्स था हमारे पास पॉइंट ए आर पे। अब इस फोर्स को हमने ओ के रिस्पेक्ट में पोजिशन वैक्टर लिया था ए आर वैक्टर, जो मैं थोड़ी इसके लिए बता रहा हूं ए आर पॉइंट के लिए, वही सिमिलरली सभी के लिए अप्लाई होगी। तो ये क्या हुआ है, देखो ये तो एक कपल बन गया, क्योंकि दो फोर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों के दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो मैंने कपल की डेफिनेशन पहले ही बता दी थी आपको। तो ये तो एक कपल है और एक आपके पास ये फोर्स बचा है जो एफ आर वैक्टर है एट ओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एफ आर फोर्स है एट ए आर वो किस में रिड्यूस होगा, एक कपल में रिड्यूस हो गया, ठीक है, जिसका मोमेंट कितना है ए आर वैक्टर, मतलब आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स, तो ए आर वैक्टर क्रॉस एफ आर वैक्टर और एंड और एक सिंगल फोर्स एफ आर वैक्टर में। तो मतलब कहने का ये है कि आप ये कह सकते हैं यहां से कि नाउ फोर्स, ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स एफ आर वैक्टर, फोर्स एफ आर वैक्टर एट ए आर वो किस में रिड्यूस हो गया, कैन बी रिड्यूस, ऐसे कह सकते हैं कैन या इज रिड्यूस, इज रिड्यूस, इज रिड्यूस्ड टू अ कपल, एक तो कपल में रिड्यूस हो गया, ऑफ मोमेंट, ऑफ मोमेंट जिसका मोमेंट कितना है, देखो ए आर वैक्टर क्रॉस एफ आर वैक्टर एंड एंड अ फोर्स एफ आर वैक्टर एट पॉइंट ओ। अब देखे दोबारा से, ये एफ आर वैक्टर जो फोर्स था ए आर पॉइंट पे किस में रिड्यूस हो गया, एक कपल ऑफ मोमेंट, आर्म ऑफ कपल ए आर वैक्टर क्रॉस फोर्स एफ आर वैक्टर एंड अ फोर्स एफ आर वैक्टर एट ओ। तो हमें ये पता लगा कि जो हमारा जनरली ए आर पॉइंट पे फोर्स एफ आर था वो हमने रिड्यूस कर दिया एक कपल में और एक फोर्स में। तो जैसे जनरली डियर स्टूडेंट, जैसे जनरली पॉइंट ए आर या फोर्स एफ आर के लिए काम हुआ है, सिमिलरली वो सारा काम एफ वन फोर्स के लिए, एफ टू के लिए, सभी के लिए होगा अप टू सोन एफ एन। तो क्या मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूं, हेंस सिमिलरली कह सकते हैं आपकी, हेंस सिस्टम ऑफ फोर्स, क्या सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या लिया था हमने, सिस्टम ऑफ फोर्स एफ वन वैक्टर, एफ टू वैक्टर, अप टू सो ऑन, ऐसे कहीं जनरली एफ एन वैक्टर इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस किस में रिड्यूस हो गया, टू आ टू टू मोमेंट ऑफ कपल्स, क्या क्या ए वन वैक्टर क्रॉस एफ वन वैक्टर, ए टू वैक्टर क्रॉस एफ टू वैक्टर, अप टू सो ऑन ए एन वैक्टर क्रॉस एफ एन वैक्टर, ये इसमें रिड्यूस हो गया एंड एंड फोर्सेस एफ वन वैक्टर, एफ टू वैक्टर, अप टू सो ऑन एफ एन वैक्टर, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स है एफ वन एफ टू एफ एन वो किस में रिड्यूस हो गया, मोमेंट ऑफ कपल्स ए वन क्रॉस एफ वन वैक्टर, ए टू क्रॉस एफ टू वैक्टर, अप टू सोन ए एन वैक्टर क्रॉस एफ एन वैक्टर एंड फोर्सेज एफ वन एफ टू एफ एन, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें जो रिड्यूस करना था सिस्टम ऑफ फोर्स को, सिर्फ एक फोर्स में रिड्यूस करना था और एक ही कपल में रिड्यूस करना था। अब डियर फ्रेंड्स, आपको जनरली पता है कि अगर आपको बहुत सारे फोर्स दिए हुए हैं जनरली, तो हम उन फोर्स के प्लेस पे कोई एक फोर्स लगा सकते हैं, मतलब कि उन सभी का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी फोर्सेज का मैं क्या निकाल सकता हूँ, रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। ऐसे ही जनरली, ऐसे ही स्टूडेंट सेम वे में क्या, हम इन कपल्स का भी क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे, सभी कपल्स का रिजल्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि नाउ नाउ रिजल्टेंट, मैंने रिजल्टेंट मान लिया, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज एफ वन वैक्टर, एफ टू वैक्टर, अप टू सो ऑन एफ एन वैक्टर इज गिवन बाय, वो ऐसे फाइंड होगा आपका, उसको जनरली हम आर वैक्टर से डिनोट करते हैं, होगा क्या एफ वन वैक्टर
प्लस एफ टू वैक्टर प्लस अप टू सोन प्लस एफ एन वैक्टर। ये तो रिजल्टेंट हुआ फोर्सेज का, मतलब कि इन सभी फोर्सेज का मैंने एक रिजल्टेंट बना दिया, इन सभी को रिड्यूस कर दिया हमने सिंगल फोर्स आर में, इन सभी कपल्स का एंड रिजल्टेंट ऑफ कपल्स, कपल्स कौन से, ये वाले, ठीक है। ये किस में रिड्यूस हो गए, मैंने मान लिया वो जी है आपका, और जी को मैंने कह दिया कि वो ए वन वैक्टर क्रॉस एफ वन वैक्टर प्लस ए टू वैक्टर क्रॉस एफ टू वैक्टर प्लस अप टू सोन प्लस ए एन वैक्टर क्रॉस एफ एन वैक्टर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मतलब क्या हुआ यहां पे, सो डियर फ्रेंड्स, जो ये आपका रिजल्टेंट ऑफ कपल है आपका, इसको मैंने कहा कि ये जी वैक्टर आपका रिड्यूस हो चुका है, सॉरी ये जो आपके कपल्स थे ए वन वैक्टर क्रॉस एफ वन वैक्टर ए टू वैक्टर क्रॉस एफ टू वैक्टर, इन सभी का रिजल्टेंट हमने मान लिया कि वो आपका जी वैक्टर है, और फोर्सेज का रिजल्टेंट मैंने मान लिया आर वैक्टर है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम ऑफ फोर्स था ये रिड्यूस हुआ पहले तो इन कपल्स में और इन फोर्सेज में, फिर मैंने इन फोर्सेज का एक रिजल्टेंट ले लिया, इन सभी कपल्स का मैंने एक रिजल्टेंट ले लिया, तो फाइनली क्या हो चुका है कि आपका जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है आपका, कहाँ पे रिड्यूस हो गया, एक जनरल सिंगल फोर्स आर में और एक सिंगल कपल जी में। तो इसका मतलब तो हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स आपका रिड्यूस किया जा सकता है जनरली किसी सिंगल फोर्स आर में और सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी वेक्टर में, ठीक है। और इस रिजल्ट का जो यूज होगा वो हम आगे आने वाले हर आर्टिकल जो नेक्स्ट होंगे उनमें, हर आर्टिकल्स में करेंगे, और जो नेक्स्ट आप करेंगे उसमें हम पॉइंट सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन करेंगे और बहुत सारे स्क्रू की डेफिनेशन करेंगे, रेंच की डेफिनेशन करेंगे, और उसके बाद हम दो तीन आर्टिकल्स और करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आपको समझ भी आ रहा है नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपके नियर डियर हैं, ठीक है, उनके सभी के साथ जरूर शेयर किया करें। और जैसे आपने सपोर्ट बनाए रखा है ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम बहुत जल्द एक नए मकाम को सुनने वाले हैं, तो बहुत जल्दी मैं एक सरप्राइज भी दूंगा आपको डियर फ्रेंड्स, तो बने ही रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।